हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी को अगर फीवर आने लगता है या छोटे से बेबी को या 6 मंथ से छोटे बेबी को अगर फीवर आता है तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है जो हर बच्चे को कभी ना कभी हो ही जाती है 6 मंथ के अंदर। तो आप लोगों को ना, क्योंकि बेबी जब बाहर आता है ना, तो उसको बाहर के एटमोसफेयर में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि वो इन्फेक्शंस की और बैक्टीरिया की चपेट में बहुत जल्दी आता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, बट ये अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स अपनाने बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट थिंग तो आप ये देखिए कि बेबी को माथा टच करके देखिए कि बेबी का वो गर्म है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेबी गर्म लग रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का टेम्परेचर जो है ना, कई बार अपने आप भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को उस थर्मामीटर से चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसको फीवर है या नहीं है। दूसरी चीज़ कि बेबी को अगर आप फार्मूला मिल्क वगैरह दे रहे हैं, ऊपर का कुछ भी देने की आपने कोशिश की है 6 मंथ से पहले, तो आप उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि उसको हो सकता है कि उसको फार्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है, या जो आपने उसको खिलाया है शहद घुट्टी, मतलब जो भी है, अगर आप ये सब चीज़ें दे रहे हैं तो उसको स्टॉप करके देखिए, क्योंकि ये भी बेबी के लिए आपके डेंजरस हो सकता है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीड अगर बच्चे को करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी स्टॉप मत करिए, और उसी के ऊपर ही बच्चा पूरा का पूरा डिपेंड होता है, और यही बेबी का जो इंटरनल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ये उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो आप इसको स्टॉप मत करिए, और बाकी जो भी आप ऊपर का दे रहे हैं उसको प्लीज़ उसे टाइम बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको उसी वजह से फीवर आ सकता है। तीसरी चीज़ कि आप ये देखिए कि घर के कोई भी आप होम रेमेडीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कई घर के लेडीज़ या बड़े हम लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो बच्चे का फीवर ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंट डॉक्टर के पास भागेंगे, क्योंकि बच्चे का आपको नहीं पता कि क्या इन्फेक्शन उसके अंदर हुआ है और क्या प्रॉब्लम हुई है। तो आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ना इन्फेक्शन किस, मतलब क्या कारण है उसका और क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से बेबी को फीवर आया है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत देखिए, घर का आप कुछ भी मत अपनाइए। फोर्थ चीज़ कि अगर डॉक्टर आपका दूर है और आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर बहुत तेज है, अगर डॉक्टर आपका दूर है तो आप उसके फोरहेड पर, माथे पर ठंडी पट्टियाँ आप रख सकते हैं, जिससे कि उसका फीवर उसके माइंड तक नहीं पहुँचे। तो इस वजह से आपको जो है ना, ये 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप घर का कोई भी अपने होम रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डॉक्टर के पास जाइए। ये एक नॉर्मल सी बात है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाते बच्चा ठीक हो जाएगा, बट आपको रीज़न जानने की ज़रूरत है। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।